वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं कैरी की खट्टी दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने मसूर की दाल में बनाई है। अगर आप कैरी की दाल तुअर की दाल में बनाना चाहते हैं तो पिछले साल की मेरी वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। दाल की प्लेलिस्ट में चेक कर लें, या कैरी की रेसिपी भी है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, रॉ मैंगो रेसिपीज़। तो देखिए, मसूर की दाल है ये, 2 कप मसूर की दाल है, मीडियम कप से मैंने लिया है और धोकर तो 5 मिनट के लिए भिगो दिया था। इसमें मैंने 2 टीस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट ऐड किया और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। मैं हमेशा दाल ग्रीन चिल्ली के पेस्ट में ही बनाती हूँ, अच्छी लगती है मुझे। अगर आप नहीं खाते ग्रीन चिल्ली तो आप खड़ी खड़ी डालें, लेकिन लाल मिर्ची में ना बनाएं, कैरी की दाल टेस्टी नहीं बनती लाल मिर्ची में। और एक कैरी मैंने ऐड कर दी, एक मीडियम साइज़ की कैरी थी ये मैंने ऐड कर दी। और इसका ढक्कन लगा देंगे और लीड लगा के 4 से 5 विजिल होने तक पका लेंगे दाल को। अब ये देखिए, अब दाल का प्रेशर रिलीज़ हो गया है, दाल और कैरी अच्छे से गल गई है। तो मैंने इसे मैश कर दिया और अपने टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। हमारे घर में रनी कंसिस्टेंसी की पतली दाल खाई जाती है, अगर आप इतनी पतली नहीं खाते तो आप कम पानी ऐड करें और उसी के हिसाब से आप नमक ऐड कर दें। नमक मैं पहले कभी भी नहीं ऐड करती दाल में, दाल गलती नहीं है इसीलिए लास्ट में ऐड करती हूँ। अब ये देखिए, पानी मैंने मिला दिया है तो थोड़ी सी पतली लग रही है, लेकिन जब इसको हम पकाएंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। अब मैंने स्टोव पर फिर से रख दिया है, स्टोव की फ्लेम फुल कर देंगे और इसमें 2-3 बॉयल आने तक कम से कम हमें इसको दाल को पका लेना है। देखिए, दाल अब पकने लगी है, जैसे कि मैंने कहा 2-3 बॉयल पकाएंगे हम इसको। तो इसमें मैं करी लीफ यानी कि करी पत्ता करिया पाक ऐड कर रही हूँ, जिससे कि दाल का फ्लेवर और अच्छा हो जाए। और जब तक दाल उबलती है अब हम इसका बघार रेडी कर देंगे। तो दाल बघारने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और 2-3 लहसुन की कलियाँ ऐड कर दी, 2-3 करियापाक के पत्ते और 2 ड्राई रेड चिली। और अच्छे से बघार को क्रैकल कर लेना है और जैसे ही ये तड़कने लगेगा ज़ीरा, अब हम इसको निकाल के नीचे रख देंगे बर्तन को, स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे और बिल्कुल ध्यान से इसमें दाल ऐड करना है। और दाल डालते ही हम इसका ढक्कन ढक देंगे यानी कवर कर देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो है वो सील हो जाएं दाल में। देखिए, मज़ेदार टेस्टी दाल तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया यानी कि कोथमीर ऐड करेंगे और गर्मा गर्म चावलों से पापड़ से बहुत ही अच्छी लगती है, या तले हुए गोश्त के साथ भी अच्छी लगती है ये दाल। तो मैंने इसको सर्व कर दिया है दाल को गर्मा गर्म चावलों के साथ में। तो अगर आपको मेरी ये दाल की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली टैग कर दें, है प्योर कुकिंग #प्योर कुकिंग के नाम से, प्योर कुकिंग वहाँ पे मेरा पेज है।